आपने बीजेपी का नारा सुना, नरेंद्र मोदी जी का नारा सुना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुना है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एमएलए बलात्कार करता है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। सच्चा नारा जानते हो क्या है? सच्चा नारा है बेटी पढ़ाओ और बीजेपी के एमएलए से बेटी बचाओ। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं आपको यहां से पहली बात बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 साल में हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों के माथे किए। मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की जैसे ही यहां सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी पहला काम किसान का कर्जा माफ करके दिखाएगी। और यहां कमलनाथ जी हैं, सिंधिया जी हैं। देखिए, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती, मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार देने, युवाओं को रोजगार दिलवाना। आज मोबाइल फोन देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना शब्द दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद जो आज चाइना में बनता है वो मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, बाकी प्रदेशों में बने। हम चाहते हैं कि आपके टेलीफोन के पीछे मेड इन जबलपुर लिखा हो। और मध्य प्रदेश के युवाओं को उन फैक्ट्री में रोजगार मिले। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, 4.5 साल हिंदुस्तान का बर्बाद कर दिया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा दम कमलनाथ जी, सिंधिया जी 24 घंटे लगाएंगे मध्य प्रदेश को, इसके युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए। सफेद क्रांति लाए, टेलीफोन रेवोल्यूशन लाए, कंप्यूटर रेवोल्यूशन लाए। और मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी रोजगार दिलवा सकती है मध्य प्रदेश के युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दिला सकती है। और जो युवा सुन रहे हैं, आप अच्छी तरह सुनो, आपके प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने आपको रोजगार देने का वायदा किया था, और उस वायदे को शिवराज जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा। आपने उन पर भरोसा किया था और भरोसा उन्होंने तोड़ा, विश्वास तोड़ा, झूठा वायदा किया। अब आप कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कीजिए। आप देखिए, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। झूठे वायदे सुनने हैं, जाइए मोदी जी की सभा में जाइए, 15 लाख 20 लाख 50 लाख का वायदा करेंगे। हम आपसे सच बोलेंगे। जितना भी हम में दम है उतना दम हम युवाओं को रोजगार दिलाने में, किसानों की मदद करने में, जीएसटी जो है, गब्बर सिंह टैक्स, 5-5 अलग टैक्स। अभी हम यहां से निकले, छोटे दुकानदारों की जिंदगी नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, जीए
जीएसटी और नोटबंदी से कर दी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, जो छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी जो स्पीच को सुन रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स को बदल के हम सच्ची जीएसटी आपको देंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप में शक्ति है। मध्य प्रदेश के युवाओं, आप में शक्ति है। अब इनको हटाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और प्रदेश को, देश को बदलने का काम शुरू करने दीजिए। दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।